मुंबई के नामवर सैकड़ों उलमाओं के दरमियान दारुल उलूम फैजाने रजा में पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यहां से राष्ट्रीय धवन तिरंगे को पूरे देश और खास करके महाराष्ट्र के हर मदरसे, खानगांव और दरगाहों में पहुंचने की शुरुआत की गई और 15 अगस्त से पहले पूरे हिंदुस्तान के मदरसों, दरगाहों, खानगांव तक तिरंगे के साथ ये पैगाम पहुँचाया जाएगा। और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए बरेली शरीफ से तशरीफ लाए हजरत तौसीफ रजा खान साहब ने मुल्क में अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया है। पहले तो तमाम मीडिया के तमाम जिम्मेदारों का, आप लोगों का शुक्रिया, आप सभी तशरीफ़ लाए। बहुत ही ख़ास पैगाम था ये। पैगाम मुस्तफ़ा असल में क्या है, जिस तरीके से पूरी दुनिया में मुसलमानों को और पैगंबर इस्लाम को लोगों ने टारगेट करने की कोशिश की है, असल में ये नहीं है। ये वही पैगाम था जिस इदारे से और पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से कि पूरी दुनिया में अमन और शांति, भाईचारे का जो पैगाम है मेरे रसूल का, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूरी दुनिया को पैगाम दिया है वो कत्ल व गारत गरी का नहीं दिया है, मारपीट, झगड़े, फसाद का नहीं दिया है, बल्कि अमन और शांति का दिया है, प्यार और मोहब्बत का दिया है। और उसी बात को आज की इस कॉन्फ्रेंस में अदा किया गया और तमाम उलमा की मौजूदगी में ये बात दोहराई गई और लोगों तक पैगाम दिया गया कि आप लोग प्यार और मोहब्बत के साथ, अमन और भाईचारे के साथ, एक दूसरे के साथ गले मिल करके रहें, किसी के बारे में दिलों में नफ़रतें भी ना रखें, क्योंकि ये मेरे इस्लाम का, मेरे पैगंबर का, मेरे दीन का, मेरे मज़हब का ऐसा पैगाम नहीं है। हमारे दीन का और हमारे मज़हब का जो पैगाम है वो है प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी, एक दूसरे गिरे को उठाना और दूसरों को गले लगाना। किस तरह से आपने देखा होगा कि आज के तमाम तस्वीर में और तमाम चीज़ों में एक ही चीज़ आपको देखने को मिल रही थी कि हिंदुस्तानियों के दिलों में जो मोहब्बतें हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों में जो मोहब्बतें हैं, जो लोगों ने उंगलियां उठाई थी, गैरों ने जिस तरीके से ये बात करके बताने की कोशिश की थी कि मुसलमान आने हिंद तिरंगे से और मुल्क से प्यार नहीं करते, मैं बावर कराना चाहता हूँ पूरी उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ, उलमा ने जो जिम्मेदारी के साथ पैगाम दिया वो पैगाम ये है कि मुल्क का हर एक मुसलमान अपने मुल्क से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी आप करते हैं, और हमें ये बार बार बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और तिरंगे को हमने साथ में रख करके ये पैगाम दिया है। आज के कॉन्फ्रेंस का हर थीम तिरंगे के ऊपर था और ये थीम ये बताता है कि मोहब्बत हमारे दिलों में भी है और हमारी महफिलों में भी है, हमारे घरों में भी है, हमारे मदरसों में भी है, हमारी खानकाहों में भी है, और यही थीम पूरे हिंदुस्तान के अंदर में फैलाई जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, पूरा महाराष्ट्र इससे जगह जगह हो जाएगा। पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो अमन व शांति है, और हमारी जमात के मुख्तदिर आलिम दीन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मंजूर आलम ज़ियाई, चीफ काजी ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने जो बातें कही हैं कि इस्लाम कतअन
ऐसी बातों की इजाज़त नहीं देता कि जिससे इंसानियत शर्मसार हो, इंसान को शर्मिंदगी उठानी पड़े। हम इसकी नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, उलमाए कराम हैं, हमारे मशायख हैं, वो सब अमन के ख्वाह हैं। चूँकि इस्लाम अपने आप में, इस्लाम का जो लफ्ज़ है वो ख़ुद बताता है कि जो इस्लाम में होता है वो अमन पसंद होता है, और जो अमन पसंद नहीं है उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। मैं अमान अल्लाह खान मिसबाही, ये कॉन्फ्रेंस एक ख़ास मकसद के तहत रखी गई थी। आजकल इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में और गलत फहमियाँ हैं, और इस्लाम के ताल्लुक से लोगों के जो रुझानात हैं, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, उन रुझानात को बदलने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। और उस प्रोग्राम के दौरान में अल्लामा तौसीफ रज़ा खान साहब ने एक बहुत अहम बात बताई है पूरे लोगों के लिए, जिनके दिलों में या जिनके दिमाग में इस्लाम के ताल्लुक से मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी है, कि इस्लाम का एक स्टैंड उन्होंने ये बताया कि वज़ू हमारे लिए फ़र्ज़ है, बगैर वज़ू के हमारी नमाज नहीं हो सकती, हमारी कोई इबादत नहीं हो सकती। लेकिन उस वज़ू के पानी के बारे में भी कहा गया है कि उतना ही पानी खर्च किया जाए जितने पानी से आपका वज़ू हो सकता है, और उससे ज़्यादा पानी खर्च करना ये क्या है, तज़ी कहलाता है, ज़ाय करना कहलाता है, ये भी हमारी शरीयत के अंदर ममनू और हराम है, ममनू है, दुरुस्त और जायज़ नहीं है। आप ज़रा अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो इस्लाम या जो पैगंबर इस्लाम इस बात की तालीम देते हों कि फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के लिए जो वज़ू बनाया जाए उस वज़ू के पानी के साथ में भी क्या है, ज़ाती नहीं होनी चाहिए, उस वज़ू के पानी को भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बताइए, इस मुबारक और अजीम तालीम देने वाले पैगंबर का जो दीन है वो इस्लाम है, वो कैसे इस बात की इजाज़त दे सकता है कि किसी के साथ आप ज़्यादती करें, या कानून आप हाथ में लें, या अनाप शनाप बकें, या इस किस्म की जो भी चीज़ें हो रही हैं इस ज़माने में, इस माहौल में जो भी हो चीज़ें हो रही हैं, उन तमाम चीज़ों की तरदीद भी करता है इस्लाम, और मुसलमान तरदीद करता है, और इस बात का पैगाम देता है कि देखिए जो कुछ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो कानून के ख़िलाफ़ या इंसानियत के ख़िलाफ़ है, इसका ताल्लुक इस्लाम से ज़र्रा बराबर भी नहीं है, उसका रिश्ता और नाता इस्लाम से कुछ भी ज़र्रा बराबर नहीं है। देखिए मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब जो है हमेशा अच्छा प्रोग्राम और इस तरीके का कार्यक्रम करते रहे हैं, और उनकी दावत पर मैं आज यहाँ शामिल हुआ हूँ। मुझे खुशी है इस प्रोग्राम में शामिल होकर के। यहाँ पर जो इंसानियत और प्यार मोहब्बत अमन सुकून का जो ये पैगाम दिया जा रहा है, ये पैगाम पूरे देश में लोगों तक जाए, ताकि पूरे देश में अमन चैन शांति और इंसानियत फैले और लोग हंसी खुशी इस देश में तरक्की करें, कामयाबी करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाई 15 अगस्त के पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक अपील किया है पूरे देशवासियों से कि हर घर तिरंगा इस बार फहराया जाए, और उसी का पहल जो है मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब और हमने शुरुआत किया, और अभी पूरे महाराष्ट्र में हम लोग इस पैगाम को लेकर के जाएंगे आने वाले दिनों में, ताकि महाराष्ट्र के जितने भी अदारे हैं मुसलमानों के, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो दरगाह हो, खानका हो, उन सब जगहों पर वैसे भी झंडा फहराया जाता है, लेकिन इस बार कोई भी हमारा जो है ऐसा जगह ना बचे, जितने भी घर हैं, जितने भी हमारे अदारे हैं, उन सब जगह ये 15 अगस्त को झंडा फहराया जाए, इस मुहिम को लेकर के हम लोग आने वाले दिनों में चलेंगे। आज उसकी मुफ्ती साहब ने एक शुरुआत की है मुझे तिरंगा दे करके। इतने बड़े बड़े आलिम यहाँ पर मौजूद हैं उनकी सरपरस्ती में, और उनकी दुआओं से हम इस मुहिम को आगे ले जाने का काम करें। आपने तिरंगे की जिक्र की, हमने देखा बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारे शो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बहुत जगह कवरेज भी करते रहते हैं, तो यहाँ आप तिरंगे का भी फुलके देते हैं, सॉल देते हैं, आपको सॉल दिए गए, तिरंगा दिए गए, उसका कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब ने जो प्रधानमंत्री का कॉल है
जो प्रधानमंत्री का आह्वान है कि हर घर इस 15 अगस्त को 13 से 15 तारीख तक हर घर में देश के झंडा फहराया जाए, उसी पैगाम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मुझे आज ये झंडा भेंट किया है और उस चीज़ को हम पूरे महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में उनके साथ में लेकर के जाएंगे। जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं उनके घरों पर इस बार इंशाल्लाह 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में झंडा फहराया जाए।